यूपी के शहरों में बम विस्फोट की योजना बनाने वाले आतंकवादियों ने अपना नेटवर्क यूपी की गंगा नदी से एमपी की नर्मदा नदी तक फैला रखा है। वहीं एटीएस को ये इनपुट पिछले दिनों यूपी में पकड़े गए 3 आतंकवादियों से पूछताछ और मोबाइल से मिले मैसेज डाटा से पता चला है। नदियों के किनारे पर खंडहर हो चुके धार्मिक स्थलों को आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था। फतेहपुर से गिरफ्तार आतंकी हबीबुल ने प्रयागराज से गुजरात भरूच तक अपना नेटवर्क फैला रखा था। एटीएस के मुताबिक वह दीनी तालीम के नाम पर युवाओं को जोड़ता था, उसके बाद उन्हें हमले की ट्रेनिंग भी देता था। इसके लिए गंगा कटरी और खंडहर में तब्दील हो चुके धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करता था, जहां लोगों का आना जाना ना के बराबर होता था। ये जानकारी उसके और नदीम के पास से मिले मोबाइल के मैसेज और पूछताछ में सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।